दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस स्टॉक ने अभी क्या किया है, अपने Q4 के नंबर शो किए हैं, ठीक है। तो हम वो देखने वाले हैं किस प्रकार से शो किए। अब ये कंपनी दोस्तों हमने बहुत बार लॉन्ग टर्म के लिए अपडेट की है। अब आप देख सकते हो 1707 रुपये का करेंट का मार्केट प्राइस है, ठीक है। इसका 52 बिक का हाई है दोस्तों 2524 रुपये के आसपास का, ठीक है। बहुत अच्छा 52 बिक का हाई देखने को मिल रहा है। साथ में ओवरऑल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये कंपनी मार्केट में काफ़ी पुरानी है दोस्तों, और अपने शेयर होल्डर को आप देख सकते हो कितने परसेंट का रिटर्न दिया है, बहुत ही धमाकेदार। अगर मैं इस हाई लेवल पर लगाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर कितने परसेंट का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है इस हाई लेवल पर, तो आप देख सकते हो 44,000% का रिटर्न। ये अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो हमें जरूर दोस्तों इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने Q4 के नंबर किस प्रकार से शो किए हैं अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। तो चलिए और चलते हैं ऑफिशियली PDF के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं डिविडेंड, ठीक है, 175% का डिविडेंड दिया है। क्यों दिया 175% का? क्योंकि दोस्तों ₹1 की फेस वैल्यू है कंपनी के स्टॉक की, तो मतलब ₹1.75 का ये डिविडेंड यहाँ पर घोषित किया है कंपनी ने, और ये फाइनल डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा डिविडेंड है, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड वाले नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये कंसोलिडेटेड वाला नंबर मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। वैल्यूएशन मिलियंस में पोर्शन बता देता हूँ, मार्च 21, दिसंबर 21, ठीक है, और मार्च 22। तो वो टोटल एक इनकम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14,070 का टोटल इनकम हुआ है। दिसंबर में दोस्तों 11,000 के आसपास का हुआ था, और मार्च 21 में भी दोस्तों 11,300 के आसपास हुआ था, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपनी का खर्चा, कंपनी का खर्चा कितना रहा है। तो टोटल एक्सपेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस क्यू में दोस्तों कंपनी का खर्चा देखने को मिल रहा है 12,118 का, ठीक है। उसके साथ ही देखेंगे तो दिसंबर में था 9,392 का, और मार्च 21 में था दोस्तों लगभग 9,036 का। तो अगर हम देखें तो जिस प्रकार से टोटल इनकम बढ़ी है, उसी प्रकार से दोस्तों स्लाइडली क्या हुआ है, एक्सपेंस भी बढ़ा है। सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में यहाँ पर खर्चा बढ़ते देखने को मिल रहा है। एक साल पहले देखिए 6,473 का टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, लेकिन अब वो सीधा सीधा 9,300 पे आके खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी के पास अभी ये प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी को टैक्स पे करना है, एडजस्टमेंट करना है, और प्रॉफिट फॉर द पीरियड शो करना है। तो इस पीरियड में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख के चल सकते हो। इस क्यू में करीबन कंपनी को दोस्तों 1419, अगर मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो लगभग 141 करोड़, मतलब 141 करोड़ का। दिसंबर में दोस्तों 1280, मतलब दोस्तों 128 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट था, ठीक है। और मार्च 21 की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ कंपनी को 1771, मतलब 177 करोड़ का कंपनी को वहाँ पर प्रॉफिट था। तो अब आप देख सकते हो कि दोस्तों 177 करोड़ का प्रॉफिट मात्र 141 करोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। मतलब दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ये बिल्कुल भी सही सिग्नल नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने में, ठीक है। कंपनी की फंडामेंटल कंडीशन भी हम देखेंगे, उससे पहले EPS देखते हैं। तो इस क्यू में दोस्तों 7.04 रुपये का EPS है, दिसंबर में 6.34 रुपये का था, और मार्च 21 में दोस्तों 8.69 रुपये का हमें EPS देखने को मिल रहा था इस कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों कंपनी का EPS भी डाउन हुआ है, जिस प्रकार से कंपनी का टोटल इनकम भी डाउन हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी का नाम दिखाता हूँ, हम किस कंपनी की बात करें, हम बात करें दोस्तों Astral Limited की। अब आपको पता है कि Astral का दोस्तों काम क्या है मार्केट में, ठीक है, नहीं भी पता है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए चलें और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Astral यहाँ हमने यहाँ पर ओपन किया है। कंपनी दोस्तों 1996 में बनी है, ठीक है, और प्रो इंडिया लाइन प्लम्पिंग, ठीक है, इस इंडस्ट्री में काम करती है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी का दोस्तों पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है, पाइप्स जो फिटिंग वाले आते हैं, ठीक है, वो कंपनी खुद में मैन्युफैक्चरिंग करती है और पूरी सर्विस प्रोवाइड भी करती है, और कंपनी दोस्तों आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो कंपनी का दोस्तों काफ़ी अच्छा मार्केट कैप देखने को मिलता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 34,258 करोड़ का। PE अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 66.3 का है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय आप देख सकते हो 29.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6%, ठीक है, फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर के हिसाब से। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़,
तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। कंपनी अनुमान लगा के बैठी थी मेरा आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रहा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे नहीं रहा, ठीक है। और लास्ट 5 साल में कंपनी का CAGR का जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़ोरदार है, ठीक है। और जो सेल्स ग्रोथ है मीडियन वाली, वो भी लास्ट 10 साल की बहुत ज़ोरदार देखने को मिल रही है। उसके साथ ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कंपनी ने दोस्तों दिसंबर क्यू में 1099 करोड़ की सेल्स की थी, ठीक है, और 198 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास था, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों वो 127 करोड़ के आसपास का था, ठीक है, और अभी अगर हमने देखा तो 141 करोड़ के आसपास है, मतलब इस रेंज में कंपनी ने प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। मार्च 2011 में पूरे साल भर में कंपनी ने 402 करोड़ की सेल्स की थी, ठीक है, और यहां मार्च 21 में 3176 करोड़ की सेल्स की है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट 404 करोड़ पे पहुंच चुका है, 1.75 रुपये का EPS 20.13 रुपये पे पहुंच चुका है, 8% का डिविडेंड यील्ड लगभग दोस्तों 10% पे पहुंच चुका है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम परसेंटेज वाइज कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 10 साल पहले 23% था, लेकिन अभी करेंट में 52% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल पहले 28% था, लेकिन अभी करेंट में 84% है, ठीक है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि कंपनी का दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रमोटर्स को देखिए काफ़ी अच्छा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, FII वो भी बहुत अच्छा स्टेक लेके बैठे हैं, DII पे भी आप फोकस कर सकते हैं। DII ने दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करने पे मार्च क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें भी एस्ट्रल लिमिटेड पे क्या करना चाहिए, अपना फोकस जमा के चलना चाहिए। जिस प्रकार से उसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है दोस्तों, वैसा आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में जरा जगह दे दी तो, ठीक है। क्यों को दोस्तों, क्योंकि देखिए एस्ट्रल अपनी इंडस्ट्री में जिस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक है, उस इंडस्ट्री का ये लीडिंग पोजीशन भी इसको हासिल है। बहुत सारे इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मार्केट में दोस्तों सबसे ऊंचे नंबर पे रखा जाता है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी है, जो इसकी सर्विस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। और मार्केट में कंपनी आप देख सकते हो कितनी पुरानी हमें देखने को मिल रही है। तो जरूर दोस्तों हमें एस्ट्रल लिमिटेड पे प्रॉपर तरीके से फोकस रखना चाहिए, प्रॉपर इसका नॉलेज होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल मैंने आपको दिखा दिया, टेक्निकल आप एनालिसिस कर लीजिए, Q4 के नंबर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, सब कुछ मैंने आपको अपडेट दे दिया, और भी कुछ अपडेट आएगा वो भी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, इसको अपनी वॉच लिस्ट में जगह देना है। वॉच लिस्ट में अगर आप जगह दे दोगे तो दोस्तों आपको क्या करने को मिलेगा, ये रोज ऑब्जर्व करने को मिलेगा, मोमेंटम चेक करने को। अगर आज ज़्यादा गिर गया तो क्या न्यूज़ आया, आप फटाफट से न्यूज़ चेक करिए, ठीक है। आज ज़्यादा भाग गया, ठीक है, तो क्यों भागा ये हमें पता चल गया, तो हम इस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में भी जगह दीजिए, और ऐसे ही स्टॉक को दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट में भी जगह दीजिए, जो आगे हमें बहुत ही ज़ोरदार रिटर्न देने वाले हैं, ठीक है। तो ये था एक धमाकेदार आप लोगों के लिए अपडेट, एक स्टॉक, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इसी प्रकार का बेहतरीन अपडेट आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।